हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 24 जनवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड में, यहाँ पे मंडे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 1.01% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1181.85 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज सा जो है यहाँ पे एक तरह से वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो एक यहाँ पे स्मॉल साइज की कैंडल का बॉडी जो है बनते हुए देखने मिल रहा है। दोनों साइड में बड़ी बड़ी विक जो हमें देखने मिल रही है। बाकी अगर मैं बात करूँ RSI की, RSI 6970 के आसपास जो आ चुका है जरूर, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ओवरबॉट एरिया से थोड़ा ही नीचे है, लेकिन यहाँ पे कभी भी स्टॉक जो है यहाँ पे हमें ओवरबॉट को क्रॉस करते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ RSI की इंडिकेशन की तो जरूर यहाँ पे RSI हमें जो है एक डाउन साइड का इशारा देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे जो है पूरा का पूरा हमारे लिए जो है वो पॉजिटिव। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे दिन से, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 वीक से इसी बीच में यहाँ पे स्टॉक जो है वो हमारा घूम रहा है। तो यहाँ पे कभी भी जब भी यहाँ पे मोस्टली हाई चांस है मंडे के दिन ये स्टॉक जो क्रॉस करे। लेकिन यहाँ पे मंडे के लिए हम हमारे 1 आवर के चार्ट में बात करें, करंटली आने वाले दिनों में इसी कंसोलिडेशन एरिया में जो है कब से स्टॉक जो घूम रहा है, जो यहाँ पे हमें एक जो है अपसाइड मूवमेंट का जो इशारा देता है यहाँ पे। क्योंकि और जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिले आपको बड़ा जो है यहाँ पे जो है एक मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे बात रही अब यहाँ पे आपके ओपिनियन की, तो यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन बनता है स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए हमें जरूर कमेंट करके बताना। हमारा ओपिनियन जो जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव का और यहाँ पे 52 वीक है जो स्टॉक में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे क्या उसको क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे 1212 जो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्रॉस हुआ था वो इसको कभी भी जो है यहाँ पे क्रॉस करते हुए देखने मिलने वाला है। हाई चांस है ट्यूसडे या फिर वेनसडे तक आपको मैक्सिमम जो है स्टॉक जो है यहाँ पे क्रॉस करते हुए देखने मिल जाएगा और यहाँ पे अच्छा मूवमेंट स्टॉक में देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखेंगे कि हमें मंडे के स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा जरूर जो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारे के सारे जो है वो मार्क्ड है। यहाँ पे हमें जो है कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने मिल रही, यहाँ पे एक छोटा सा जो है चेंजेस हमें देखने मिल रहा है उसको यहाँ पे हम कर देते हैं और बाकी यहाँ पे जिस तरह से जैसे था वैसा ही हम रहने देते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सीधा इसके क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1181 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 1179 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1193 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो वो बनता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे आपको अपना ट्रेड लेना है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1169 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 1150
थ्री का, यहाँ पे डायरेक्ट रेसिंग के बाद अगला रेसिंग आता है 1203 का, उसके बाद का हमारा 52 वीक है जो है यहाँ पे 1211 का, यहाँ पे एक अगला रेसिंग जोन जो है वो बनता है। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेसिंग जोन जो है वो बता दिए हैं, जरूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हो जो यहाँ पे आप जो अपना मंडे के दिन जो ट्रेड लें। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे कहूँ तो जरूर यहाँ पे एक तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब स्टॉक जो है हमें पॉजिटिव जो है ओपनिंग देते हुए देखने मिल सकता है, और यहाँ पे फिर उसके बाद वापस से सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। थोड़ा सा जो यहाँ पे इंक्लाइन जो है डाउन साइड पे है, मतलब यहाँ पे 1169 से लेकर 1179 के बीच में हमें क्लोजिंग जो है मंडे के दिन देखने मिल सकती है। ओपनिंग यहाँ पे हाई चांस से पॉजिटिव रहेगी, लेकिन क्लोजिंग हमें नेगेटिव देखने मिल सकती है, यहाँ पे 1% के अंदर यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग जो देखने मिलने वाली है, ऐसा हमें यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे लगता है यहाँ पे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।